क्या आपने कभी अरल सी का नाम सुना है? शायद बहुत कम लोगों ने इसका नाम कभी कहीं पे पढ़ा या सुना होगा। चलिए आज मैं आपको अरल सी की कुछ जानकारी देती हूँ। 60 साल पहले अरल सी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट सी थी, जिसका एरिया 68,000 स्क्वायर किलोमीटर था, और ये अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में थी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सी इतनी बड़ी थी कि स्पेस में से भी दिखाई देती थी? यहाँ पे कई माइग्रेटिंग बर्ड्स आते थे और इस सी में फिशेस भी बहुत थे, और इसीलिए काफी लार्ज नंबर में फिशेस पकड़े जाते थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये विशाल अरल सी अभी पूरी तरह सूख गई है। थोड़ा भी पानी नहीं बचा है इस सी में, सिर्फ नमक और रेत दिखाई देता है। फिर इतनी बड़ी महासागर का पानी गायब कहाँ हो गया? ज्यादातर हम इंसान ही कुदरत को नुकसान करने की वजह होते हैं। जैसे अभी के वक्त में भी इंसान बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पेड़ जंगल को नष्ट कर रहे हैं, उसी तरह इंसानों की वजह से अरल सी पूरा सूख गया। इंसानों की वजह से आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा सी सूख गया? तो आइए इस वीडियो से जानते हैं कि अरल सी सूखने की कहानी क्या है। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ईयर 1960 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन ने प्लान किया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो कॉटन क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्योंकि कॉटन व्हाइट गोल्ड जैसा है जिसे एक्सपोर्ट करने से काफी पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन कॉटन ऐसा क्रॉप है जिसकी खेती करने के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है, और अरल सी में दो रिवर्स फ्लो होते थे, अम्मू दरिया और साई दरिया। तो कॉटन क्रॉप्स को पानी मिले इसीलिए अरल सी के दो रिवर्स को डाइवर्ट किया गया। बस यहाँ से शुरुआत हो गई अरल सी की तबाही की। दो रिवर्स डाइवर्ट करने पे कॉटन क्रॉप्स तो ग्रो हुए, सोवियत यूनियन का प्लान सक्सेसफुल हुआ, एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न किए। 1960 से 1980 तक उज्बेकिस्तान और सोवियत यूनियन को काफी प्रॉफिट हुआ कॉटन एक्सपोर्ट से। जिस तरह कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ता गया, पानी का यूज भी ज्यादा होने लगा, जिससे अरल सी का पानी का लेवल काफी कम होने लगा। अरल सी ईयर 1960 में वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट सी था। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ईयर 1998 तक इस सी में पानी का लेवल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से 28,687 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया था? मतलब सोचिए कि कितना सारा पानी कॉटन की खेती में यूज हो गया। उसके बाद धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता गया, और 2003 में गर्मी में अरल सी पूरी तरह सूख गया था। सिर्फ दिखाई देता था वो नमक, और सी में चलने वाले शिप्स एक जगह पर पड़े हैं। तो देखा आपने कि किस तरह कुछ पैसे अर्न करने के लिए इंसानों ने ही अरल सी को आज एक सूखा डेजर्ट बना दिया। इससे पता चलता है कि कुदरत से मिलने वाली चीज अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सी ड्राइंग, इसके बाद वहाँ के रहने वाले लोगों को इस पे बहुत बुरा असर पड़ा। पानी तो बचा नहीं था पीने के लिए, और थोड़ा बहुत बचा था उसमें बहुत ज्यादा नमक था। ऐसा पानी पीने से लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे। अरल सी के एरिया में बच्चे लो बर्थ वेट से पैदा होने लगे, क्योंकि पानी नहीं होने से खाना नहीं मिलता था। जो लोग अपना गुजारा फिशेस बेच के या फिश खाकर कर रहे थे, उनके लिए फिश भी नहीं थे, जो पानी नहीं होने से मर गए। इस तरह यहाँ पे सी के सूख जाने के बाद लोग भूखे मरने लगे, और गरीबी ज्यादा बढ़ गई। अभी के वक्त में अरल सी एक ड्राई डेजर्ट और पॉल्यूटेड एरिया बन गया है। कहते हैं कि डैम प्रोजेक्ट से 2018 में अरल सी में फिर से पानी भरने की कोशिश की थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के वजह से उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो कभी फोर्थ लार्जेस्ट सी था, वो अब शायद कभी भरा हुआ नहीं दिखेगा। जो चीज नेचुरली मिलती है, उसे फिर वैसे बनाना मुश्किल काम है। अब तक किसी इंसान ने खुद कोई सी नहीं बनाई है। काफी इम्पॉसिबल काम है सी में इतना पानी भरना जो नेचुरली होता है। कहने का मतलब ये है कि कुदरत को हम इंसान बचा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि नेचर की चीजें कैसे सेव की जाए। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।